ऐसे आज हम बताने जा रहे हैं कि आप एप्सन के प्रिंटर में आप इंक को कैसे फील कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका ये इंक आता है एप्सन 003 करके। आप इसको पहले ऐसे ओपन करिए, ये इसकी बोतल की पैकिंग आती है ऐसे। आप इसको ऑन करिए, देख सकते हैं ये इसका कनेक्टर आता है गाइस। अगर आप इसको ये डायरेक्टली ऐसे, ये गिरेगा भी नहीं, आप इसको डायरेक्टली ऐसे डाल सकते हैं। ये देखिए आपका जो यहाँ पे इंक फील हो रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये अपना ब्लैक है, ये अपना येलो आता है, ये मजेंटा और ये सैन कलर आता है अपना। हम देख सकते हैं इंक की फील हो रहा है यहाँ पे। और एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपका प्रिंटर का इंक एक बार ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा टाइम तक ऑफ ना रहे, इंक फटाफट मंगवा के इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। ये हमने इसको पूरी पूरी बोतल इसमें डालनी नहीं है, ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पे टच होती है, आपने निकाल देना है, देख सकते हैं ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो गैस ये था वीडियो में, अब हम आप इसको एक बार बंद करके चालू करते हैं। अगर आप ये ब्लैक कलर के इंक को अगर आप किसी भी अदर टैंक में डालना चाहें तो नहीं डाल पाएगा, क्योंकि इसकी जो अलग अलग लॉकिंग करी होती है आप देख सकते हैं कलर के अकॉर्डिंग। ये अपना एप्सन का जो है L3250 प्रिंटर है, इसमें इंक डलता है 003। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।